सो हेलो भाई, मैं हिमांशु यादव, स्वागत है भाई आपका हमारे चैनल पे। तो भाई आज हम आए हुए थे सैगर कार्स स्पा पे अपनी फॉर्च्यूनर लेके। ये देख लो, ये खड़ी पुराने वाली, इसका रिव्यू भी आपको जल्दी देखने को मिलेगा। तो इस गाड़ी को भाई आज हम वॉश करा रहे हैं अच्छी तरह, ड्राई क्लीन वगैरह सब कुछ हो रही है। तो देख लो यहाँ पे भैया लगे पड़े हैं, एक बार आपको अंदर से इसकी कंडीशन दिखाएं तो कैसे काम हो रहा है एक बार देख लो। ये देखो पूरे मैट्स वगैरह हटा के अंदर से वैक्यूम कर रहे हैं, तो अच्छा काम है यहाँ का काफ़ी। आप भी आ सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको यहाँ की लोकेशन दे दूंगा। पुराने वाली टोयोटा फॉर्च्यूनर है भाई। सारे मैट्स वगैरह इन्होंने निकाल लिए हैं गाड़ी के पीछे, देख लो। ये रही हमारे चैनल की नंबर प्लेट, ये आपको जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेगी। एक ये रही आगे पीछे दोनों साइड के लिए। ये रहा मेरा नाम हिमांशु यादव। तो करते हैं डोर को बंद, अभी इसकी वॉशिंग भी होनी है। ये देखो यहाँ पे इसके मैट्स वगैरह साफ हो रहे हैं। तो एक एक काम यहाँ पे डिटेलिंग के साथ होता है, मैं आकर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एड्रेस वगैरह सब कुछ। तो भाई हम आए हुए हैं रोहिणी सेक्टर 16 में, ए ब्लॉक। एड्रेस आपका मैं दे दूंगा, वो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इनका नंबर भी स्क्रीन पे आ रहा है आपकी, तो वो चेक कर लेना। तो ऐसा कुछ है भाई, कार का इंजन D4D फोर व्हील ड्राइव। तो देखो एक बार इस साइड, ये पाइप उधर का बिल्कुल हो चुका है क्लीन, उधर देखोगे तो। अब पीछे की बारी है, पीछे का हो रहा है, जैसे जैसे काम होगा वो हम आपको सारा प्रोसेस दिखा देंगे। तो अभी थोड़ी देर बाद मिलते हैं। तो यहाँ पे भाई गाड़ी का काम स्टार्ट हो चुका है, देख लो कैसे वॉश करते हैं, एक एक चीज डिटेलिंग में करते हैं बिल्कुल। इस कार की रिव्यू की वीडियो बनने वाली है, इसलिए कार वॉश होने के लिए लिया है हम, पहले सोचा थोड़ी साफ करके करेंगे तो अच्छा लगेगा। तो ये देख लो बिल्कुल एक एक चीज़ पे अच्छी तरह पानी मार के फिर वहाँ पे सोप वगैरह सब कुछ करेंगे। इनका एड्रेस आपको मैंने पहले ही बता दिया है, स्क्रीन पे लिखा आ रहा है, आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो, नंबर दे दूंगा मैं। तो यहाँ पे स्टीम वॉश, फॉर्म वॉश, कोटिंग सब कुछ हो जाता है। अभी तो इंजन की सफाई चल रही है, देख लो यहाँ से पूरी इनकी मोटर आ रही है एरी। और उधर चल रहा है इसकी अंदर से ड्राई क्लीनिंग का काम, भैया कर रहे हैं। तो ये भाई अपने घर की गाड़ी है, तो इसलिए इसका हम सारा प्रोसेस दिखा रहे हैं। ये देखो कैसे बिल्कुल बोनट वगैरह खोल कर नीचे के बम्पर सारा डस्ट क्लीन हो जाता है, इतना प्रेशर है इस पाइप में। तो घूम के एक बार दूसरी तरफ चलते हैं। पीछे से देख लो, टायर्स की बारी आ गई है। तो एक एक मतलब जो इसके रिम के वो हैं सारे, जो भी कहते हैं उन पे अच्छी तरह पानी मारा जा रहा है। फोम वॉश भी अवेलेबल है यहाँ पे, स्टीम भी है, सब कुछ है। तो ये देख लो साइड मिरर में से कितनी सारी डस्ट वाला पानी निकल रहा है। कैमरा इतना जस्टिस नहीं कर रहा होगा, पर मैं बता रहा हूँ अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंस से, ऐसी बात नहीं है। हमें पहले भी गाड़ियाँ लेके आ चुके हैं तो अच्छा ही काम मिलता है, हमें हर बार गाड़ी बिल्कुल नई मिलती है। ये देखो पूरा एक एक स्टेप दिखाने वाले हैं इस काम आपको। अभी डोर खुल चुका है, डोर पे साइड में पानी मार रहे हैं।
तो ये अपनी मैनुअल वाली है फॉर्चुनर, वैसे बता दूं मैं आपको, तो फोर व्हील ड्राइव। तो अब काम चल रहा है यहाँ पे रियर वाले टायर पे, पीछे वाले बिल्कुल अंदर तक, क्योंकि ये रफ टफ चलती है गाड़ी काफ़ी। तो वैसे बारिश का सीज़न है तो अंदर थोड़ी ज़्यादा मिट्टी सी हो जाती है, तो वहाँ पानी लगना ज़रूरी है, वरना वहाँ पे रस्टिंग होने लगती है, जंग लग जाता है। तो एक बार फिर से इनका बोर्ड दिखा दूं, नंबर आपको बोर्ड पे दिख जाएगा और मैं पर्सनली भी डाल दूंगा, ये देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो चलते हैं फिर से कार की तरफ। तो अब चल रही है इसकी पीछे की बारी आ रही है इसके, अंदर ड्राई क्लीनिंग का काम चल रहा है वैक्यूम से। देख लो बिल्कुल कितनी सारी डस्ट निकल रही है, देखो मिट्टी, गंदा पानी कितना आ रहा है। देख लो, इसमें जो लाइट्स आप देख रहे हो आफ्टर मार्केट है, अच्छी लगती है ये वाली। ये खुल गई डिग्गी, अब इसमें पीछे बूफर्स वगैरह रखे हैं दो दो, तो डिग्गी तो इसकी है ही नहीं बिल्कुल, समझ लो सामान नहीं रख सकते इसमें। पर ये पीछे कोई बैठता भी नहीं है तो सीट्स फोल्ड हो जाती हैं। बाकी तो रिव्यू आप देख ही लेना नेक्स्ट वीडियो में। गए हैं भाई दूसरी साइड गाड़ी के, ये देख लो। तो जब सोप वगैरह का प्रोसेस शुरू होगा उसके बाद मिलते हैं, अभी इसको यहीं पे स्टॉप कर देते हैं, मिलते हैं आपको जब काम हो, बाकी काम होगा इसका। तो भाई अब स्टार्ट हो रहा है अपनी फॉर्च्यूनर का फॉर्म वॉश वाला प्रोसेस, देख लो अभी ये नॉर्मल है, अब फॉर्म वॉश होगी। ये देखो ये पूरा कार सोप ही यूज़ करते हैं, कोई अलग से जो घर के शैम्पू उनसे नहीं होती है, कार्स का अलग आता है। देख लो पूरी वाइट हो गई। देख लो एक एक चीज डिटेलिंग में होती है, बिल्कुल ऐसा कोई जल्दी का काम नहीं है, काम देर से होगा पर अच्छा मिलेगा आपको बिल्कुल यहाँ पे। दूसरी तरफ से चल के दिखाएं, तो ये देखो अच्छी सी साफ हो जाती है इससे, मतलब कोई ऐसे बहुत जल्दी का प्रोसेस है, ज़्यादा देर नहीं लगती इसमें, पर एक घंटे का टाइम तो आपको निकाल के आना पड़ेगा क्योंकि इतनी देर तो लगती है डिटेलिंग वगैरह करने में सब कुछ। ये आ गए इस तरफ, देख लो दो मिनट में चारों तरफ का हो गया। तो फॉर्मिंग तो हो चुकी है, अब इसको कपड़े से शायद रब करेंगे, नेक्स्ट प्रोसेस इसका यही है, कपड़े से जो सारी डस्ट है, माइक्रोफाइबर क्लॉथ है जो, इनको से सारी डस्ट हट जाएगी। अब वापस से जो अपनी गन थी इसका नोजल चेंज कर लेंगे और फिर पानी से धो देंगे।
ये माइक्रोफाइबर क्लॉथ से क्लीन होती है, ये देखो ऐसे। पे भाई गाड़ी की फॉर्मिंग हो चुकी है, अच्छी तरह सारे पार्ट्स रब कर चुके हैं। अब यहाँ पे हो रही है इसकी वॉशिंग स्टार्ट दोबारा से। अब देखना जरा एक बार, जो गाड़ी है वो पूरी नई मिलेगी आपको यहाँ से। अब ये देखो, फेंडर वगैरह अच्छे से, अंदर के जो ये फ्लैप्स रहते हैं इनको भी अच्छे से रब करा है, उसके बाद पानी मार रहे हैं यहाँ पे। अब चलते हैं पीछे गाड़ी के। ये देख लो बिल्कुल अच्छी तरह, मतलब ये साफ हो गई, अभी साफ होगी, अभी कुछ करने की जरूरत नहीं है इसमें। बाकी भैया अपनी तरफ से इसमें पॉलिशिंग वगैरह करके देंगे लास्ट में, तो अब लास्ट में मिलते हैं। तो भाई फॉर्च्यूनर के इंजन का काम तो हो चुका है पूरा, देख लो जरा ये शाइन देख रहे हो, ये ऐसे ही कहीं पर भी नहीं आ जाएगी। एक बार गाड़ी बाहर निकालेंगे उसके बाद ही मैं आपको दिखा दूंगा। तो इसमें ना एक पॉलिश भी मारी है बड़ी मस्त वाली, वो स्प्रे होके ही लगती है बस, वो मतलब ऐसे कपड़े वगैरह से नहीं करते, बड़ी अच्छी लग रही है। पूरा ऐसे लग रहा है जैसे इंजन बिल्कुल नया हो इसका, कंपनी से बाहर जब निकलती है गाड़ी ऐसा हो रहा है। थोड़ा सा ऊपर से देख लो, ये देख लो कहीं भी आपको थोड़ी सी भी डस्ट वगैरह कुछ नहीं दिखेगा। तो गाड़ी निकलवाते हैं एक बार बाहर। तो भाई ये हो गई अपनी फॉर्च्यूनर अब यहाँ पे कंप्लीट बिल्कुल। तो एक बार पूरा वॉक अराउंड देख लो, ये रहा अपने चैनल का नाम, आज से नया नाम है। तो भाई गाड़ी शाइनी शाइनी हो गई बिल्कुल नई, जैसे बिल्कुल अभी शोरूम से ही आई हो। थोड़ा पीछे से दिखाएं एक बार, तो ये देख लो भाई एलोइज वगैरह बिल्कुल ऐसे शाइन मार रहे हैं, मतलब कैमरा शायद इतना जस्टिस नहीं कर रहा, पर रियल में गाड़ी बहुत ज़्यादा चमक रही है। अभी पीछे भी अपना लोगो है, मतलब अपना नाम है हिमांशु यादव ये रहा। तो भाई बड़ी बढ़िया लग रही है, मतलब सेटिस्फाई पूरा। आप यहाँ पे आओ को मिलेगा अच्छा कुछ, आपको सर्विस मिलेगी आपकी। तो ये देख लो भाई ऐसा कुछ है, बोनेट दिखाई चुके हैं। तो भाई तो इस वीडियो को करते हैं अब यहीं पे एंड।